अच्छा मानस, एक सवाल विवेक प्रजापति साहब ने पूछा है। इनके पास 60 शेयर हैं डीएलएफ के, 380 रुपए के दाम पर इनकी एवरेज है, और क्योंकि डीएलएफ अच्छा चला भी है तो ये 3 साल का नजरिया रख के चल रहे हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, 3 साल के लिए व्यू मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एक अगर हम ट्रेंड की बात करें और जिस तरह का ब्रेकआउट हमने अमेरिका से अभी करीब 8-9 हफ्ते पहले डीएलएफ में एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखा है, उसके टारगेट 550 और उसके ऊपर शायद 610 तक के आते हैं, तो आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बने रहिए। डीएलएफ में फिर से 600 रुपए के आसपास फिर से आप उसको एक बार देख सकते हैं, स्टॉक को वहां पर फिर से अपने टेक्निकल सेटअप को देखेंगे, लेकिन अभी तक का ट्रेंड बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। 440 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए, और अगर आप 8 से 10 महीने का टाइम फ्रेम लेके चल सकते हैं तो आपके टारगेट 610 के आसपास कराएंगे। तो आप 600 तक की चाल तो देख पाएंगे, लेकिन हाँ ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो हर साल बर साल या सिचुएशन बाय सिचुएशन अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिएगा। अब हम कोलकाता चलते हैं, वहां पर विश्वजीत मंडल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंडल साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार मंडल साहब। आई हैव रिलैक्सो 52 शेयर्स एट द रेट 1052। ओके, आई एम होल्डिंग इट एट लीस्ट 2 ईयर्स। ओके, नाउ माई क्वेश्चन इज दैट कैन आई होल्ड इट और एक्युमुलेट इट और एग्जिट इट? ओके, और माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट सर, मार्केट का पंचनामा में मैं कैसे जुड़ सकता हूँ आपके साथ? सर वहां पे आप रोज शाम को 3:30 बजे फेसबुक लाइव पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहां पर माय क्वेश्चन हाउ कैन आई सेंड? आप वहां पर हमेशा अपना सवाल पूछिए, आपसे आपको वहीं पर ही जवाब दिया जाएगा उसका। तो फेसबुक लाइव होता है 3:30 बजे, आप वहां पर हमारे साथ जुड़िए और वहीं पर माय क्वेश्चन इज हाउ कैन आई सेंड माय क्वेश्चंस टू यू? आप वहीं पर ही फेसबुक पे जो नीचे मैसेजेस चलते हैं उसमें लिख दीजिए, जवाब अपने आप आपको वहां पर मिल जाएगा, आपके सवाल पढ़े जाते हैं वहीं पर। ठीक है। ओके मानस, रिलैक्सो फुटवेयर करीब करीब 52 शेयर है इनके पास 1052 रुपए के दाम पर। सवाल साफ है कि ये और खरीदारी करने के इच्छुक हैं, क्या यहाँ पर खरीदारी करें या फिर अभी अवॉइड करें? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि अब यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ है, हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर मेरे ख्याल से पिछले 20 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और अगर हम वीकली और मंथली चार्ट देखेंगे तो वहां पर भी कुछ रिवर्सल के साइन डेफिनेटली देखने को मिले हैं, और इस मूव के आई थिंक जो टारगेट है वो 1050 के आसपास आते हैं, तो अगर एक क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं तो पिछली बार आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ आप नई क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। 840 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, करंट लेवल पे खरीदारी करनी है, और 1060 और 1100 रुपए के टारगेट सेट करते हैं। तो 1060 और 1100 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, बस 830 का एक स्टॉप लॉस आप जरूर ध्यान में रखिएगा, और आप पोजीशंस को फर्दर विश्वजीत सर यहां पर ऐड कर सकते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।